हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसी स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th हिंदी का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो बुक से है, तो यहाँ पे है जयप्रकाश मार्क्सवादी जो है कब बने। राइट, सो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1924। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैला आंचल। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है किसे लोक नायकों के नाम से जाना जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण को। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11 अक्टूबर 1902। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रभावती। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई, तो कब दी गई ये बताना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1998। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है उर्वशी किसकी रचना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है माटी की मूर्तें किसकी रचना है, माटी की मूर्तें, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राम वृक्ष बोनापुरी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साहित्यिक रचना के लिए।